नमस्कार, आज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज। तो परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से जो लड़ते हैं उनके कदमों में जहां होता है। जी हां, आज हम इस विशेष पेशकश में बात करेंगे हौसले की, बात करेंगे इंसान की उस जिजीविषा की जिसने हमेशा इंसान के जज्बे और लगन के सामने अपना सर झुकाया है। आज सिमोन उरांव होंगे हमारे साथ, जिन्होंने हर मुश्किलों से लड़कर एक शानदार मुकाम बनाया, जिनके जज्बे ने लोगों को जीने का रास्ता दिखाया, जिनके दिखाए रास्ते ने लोगों को गिरकर उठने की प्रेरणा भी दी। देखो, सीखो, करो, खाओ और दूसरों को खिलाओ का मंत्र दिया। सिमोन ने पानी के बेतरतीब बहाव को सहेजा। कभी इलाके की सैकड़ों एकड़ जमीन बरसात के दिनों में जलमग्न रहा करती थी और बरसात के बाद होता था भीषण सुखाड़ का आलम। रोटी की जुगाड़ में पलायन बेड़ो प्रखंड के कई गांवों की तो नियति बन गई थी और बेड़ो के पिछड़े इलाके को कृषि क्षेत्र में इतना खुशहाल कर दिया कि आज उस पर विदेशी छात्र भी शोध करते हैं। जहां सिमोन की खासियत ही कुछ ऐसी है कि बेड़ो प्रखंड के दर्जनों गांवों के लोग ही नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन और सरकार भी उनकी मुरीद है और उनके किए कार्यों के कारण ही लोग उन्हें पढ़ा राजा की उपाधि भी दे दी है। और आज अपने इस विशेष पेशकश में हौसले के सलाम में आपको दिखाएंगे हर वह रिपोर्ट जिसने एक साधारण आदमी को उसके कार्यों ने महामानव बना दिया। तो झारखंड के बेड़ो गांव निवासी सिमोन उरांव को मिला है पद्मश्री। दरअसल सिमोन की कहानी किसी रॉबिन हुड की स्टोरी से कम नहीं है, जिसके जज्बे और कुछ कर गुजरने की जिजीविषा ने लाखों लोगों के जीवन की दिशा ही बदल के रख दिया। और इसके साथ ही सिमोन का नाम झारखंड के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित भी हो गया, जिसने एकला चलो की राह पर चलकर विशाल कारवां बनाया, जिसने हर हाथ को जोड़कर उसे नवनिर्माण के काम में मोड़ दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड की विरासत अत्यंत समृद्ध रही है। इस मिट्टी ने ऐसे भी लाल पैदा किए हैं जिन्होंने अपने विराट कार्यों से अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवाया है। ऐसे ही एक हैं सिमोन बाबा, जिनकी शख्सियत करिश्माई है और दुनिया के कई यूनिवर्सिटी के छात्र उन पर शोध भी करते हैं। अपने पीएचडी की थीसिस में वे उनके पर्यावरण संरक्षण के कार्यों और ग्रामीण विकास के लिए हासिल उनकी उपलब्धियों की चर्चा भी करते हैं और उनके इसी हौसले के कारण उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। उनके किए गए कार्यों की एक लंबी फेरिश्त है। जल में इतना शक्ति है कि पूरा देश के जल और अन्न पोषक रहे, इसलिए हम कहते हैं कि जितना किसान को जहाँ जहाँ कुआं है, तालाब है, जो नदी नाला है, छोटा छोटा बांध बेड़ा सारा चीज बनाना चाहिए। हम 10 कुआं बनाए हैं, 5 तालाब बनाए हैं, 3 बांध बनाए हैं। दरअसल ये कहानी बड़ी मर्मस्पर्शी है और इंसान के बुलंद हौसले की भी है। रांची के बेड़ो प्रखंड का किशोर सिमोन गरीबी और अपने घर वालों और गांव वालों की रोजी रोटी की दिक्कतों से परेशान रहता था। वह हमेशा किसी ऐसे उपाय के बारे में सोचा करता था कि लोगों को भरपेट अनाज मिल सके। और जब सिमोन युवा हुए तो उस समय देश को नई नई आजादी मिली थी, अंग्रेज चले गए और अपनों का शासन आया। उनके लिए अंग्रेजों के शासन से कई मायनों में कम पीड़ादायक नहीं था। जो भी उन्होंने काम किया है पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में, जल संग्रहण के संबंध में, ये काफी जानकारी है हम लोगों को। और आज सही मायने में उनके जो मेहनत थी, जो जवानी के दिनों में जो उन्होंने मेहनत किया, वो आज रंग लाया। ये बेड़ो ही नहीं, हम लोग के झारखंड के लिए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांव के जंगल पर वन विभाग ने अपना दावा कर दिया था। सरकारी ठेकेदार को वन कटाई के ठेके दिए जाने लगे थे। तब सिमोन उरांव को यह बात नहीं जची थी। उन्होंने तब ग्रामीणों के समर्थन के साथ यह ऐलान किया कि वे लोग इस कानून को नहीं मानेंगे। तब उन्होंने तीर धनुष लेकर जंगल की कटाई का विरोध भी किया था। उनके परिजन भी इसे एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। हम लोग तो क्या कहने, इस
मतलब जितना भी धन्यवाद भी कहेंगे फिर भी हम लोग नहीं दे पा सकेंगे इसके, जितना ये किए हैं उतना हम लोग अभी क्या बोलेंगे, कुछ कर भी नहीं सकेंगे इसके जैसा, और इसके लिए उतना सम्मान भी हम लोग दे नहीं पाएंगे, उतना ये किए हैं मेरे बाबा। 1952-53 की बात है जब उन पर केस हुआ। सिमोन उराव को 2 बार जेल भी जाना पड़ा, अंततः अदालत ने उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता बताकर मुक्त कर दिया था। दरअसल किसी भी उपलब्धि के नेपथ्य में कुर्बानियों की भूमिका अहम होती है, जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। अरविंद प्रताप के साथ राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज, रांची। और जिस करिश्माई शख्सियत की हम बात कर रहे हैं सिमोन उराव की, वो हमारे साथ स्टूडियो में है और आज आपसे हम रूबरू भी कराने वाले हैं उनसे, उनके उन उपलब्धियों के बारे में भी बात करेंगे जिसने उन्हें महामानव बना दिया और सरकार को उन्हें पद्मश्री देना पड़ा। तो हमारे साथ हैं सिमोन उराव जी, जो समाजसेवी हैं, पद्मश्री सिमोन उराव, और मुकुंद नायक जी हैं, सांस्कृतिक कर्मी हैं प्रसिद्ध झारखंड के, और गिरधारी राम गंजू जी हैं जो साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं और मर्मज्ञ भी हैं झारखंड के। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सिमोंदा, मैं आपके पास आऊंगा, आपने जो किया है उसे देश ने सराहा, दुनिया ने सराहा। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो आपने काम किया है उसके लिए आपको पद्मश्री का अवार्ड दिया जा रहा है, ये पुरस्कार दिया गया। हम चाहेंगे कि आपने क्या कुछ किया है अकेले एकला चलो की राह पर चलकर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सिमोंदा, हम चाहेंगे कि आप कुछ बोले कि आपने कैसे ये उपलब्धि हासिल की, क्या कुछ किया है आपने, बांध कैसे बनाया, डैम कैसे बनाया। देखिए, गरीबी के हालत से हम पहले, हमारा दादा लोग था, हमारा फादर लोग था जी, तो बहुत गरीबी था। कृषि करीब बांध बनते बनते आघान से बंधत बंधत कुड़त कुड़त जी जून जुलाई तक मन कुड़त रहे, और धान खेती करते रहें, बरसात आवत रहे तो सबके बुहाय ढुआ के ले जाते रहे जी। से ले हमार 10-12 साल उम्र होलक, से खान उनसे हम संगत लगली, और कैसे बांध बनाना जी, कैसे खेती करना, कैसे का करना, ये सब को एक साथ हमरे मन बैठ के विचार करते रही जी। तब से बरसात आवत रहे तो सबके तुट फाड़ के ले जाते रहे जी। खान हम पूरा नादी ने घूमे लागली, और घूम के 2000-4000 फीट हम नाला ने घूम ली, देख ली कि कहाँ पतला रही तहाँ बंधा जी। तो पूरा जनता के गांव घर करके सबके बैठा ली जी। नादी ने एक दाना खेती नहीं होत रहे, और चौरा ने 3 गो बरगी चौरा, भेड़ी कुदर, मूड़ा मरचा, हाथपोरा और मोरहा जरा ने जी। एक अन्न का खेती का कोई पौधा नहीं निकलत रहे जी। तो सब के बैठा 8 बजे पानी आवत रहा, तो 4 बजे सूख जात रहे जी सांझ के। से ले हम पूरा जमीन वाला के, नदी वाला जमीन के बैठा ली, और चौरा वाला के, और कहली कि ई बांध के बांधब होले, खेत बनाए ले बांध ली, एगो नरपतरा ने, एक ठो अंत भालू ने, और एगो खरवा गढ़ा ने बांध, 3 ठो खेत बन गया कृषि करीब 100 एकड़ तक। और सिकर बाद ने बरसात आवत रहे तो सबके तुड़ फाड़ के ले जाते रहे जी। तो बैठ के विचार करके हमरे मान उके कि एक जगह 45 फीट बांध बंधब जी, और नहर 5,500 फीट काटा होले, पानी के डहर जंगले जंगल जाए, और गढ़ा के जितना जो जमीन खराब रहे से जमीन बन जाए जी। तो जमीन ने भी गढ़ा ने भी खेती हुई, और चमड़ा भी जियत हो जाए। तो कृषि करीब हमारे 500 आदमी जुटली, जितना जमीन वाला, और विचार करके हमरे मन काम शुरू कर ली। वहाँ नहर काटे के लिए एक एक ठो पत्ता तोड़ते तोड़ते हम 5,000 फीट तक चली गली, और उके दिख ताई के सबके गवैया के बता ली, और रिजर्व जंगल रखने 1,000 आदमी 5,500 के सारा जंगल के कटवा के नहर तैयार कर ली जी। करल कर बाद में बांध भी तैयार कर दिली, 45 फीट ऊंचा जी, 55 ने शुरू कर लिया और 57 ने बांध बांधी। यहाँ कोई क्या बात है, सरकारी वर्ष से कोई अनुदान पैसा नहीं मिला जी। हमारे गवैया
कमेटी बैठ के अपन गठन करके 45 सीट बांधली और 70 ने निमराली तले और वह चीज के खान चलाते हैं और चलते हैं और वह के सुबह काठी झूरी लेगत रहे तो कलवा बेयारी करते रहे, कलवा लेगत रहे तो सांत के कलवा और कार्तिक महीना रे धान कटाया जाते रहे, छोटे छोटे धान बुनत रहे और सब बाहर चल जाते रहे, गांव घर में कोई नहीं रहता। सिमंदा, उसका फायदा क्या हुआ? जब आपने इतना कुछ किया तो कितने लोगों को क्या कुछ फायदा हुआ? कर से करीब 2000 परिवार का फायदा हुआ है अभी जी। हाँ, फायदा हुआ और सब अभी बात मानते हैं और हमको सब एखन भगवान लेखे मानते हैं जी। सबको जतना तो आपको पढ़ा राजा बोला गया। हाँ, पढ़ा राजा हमको 52-53 ने पढ़ा राजा चुना है। 51 गांव से हम इस्तीफा देते हैं साल में एक बार मीटिंग ने। अच्छा सिमंदा, पढ़ा राजा का क्या मतलब होता है? देखिए, गांव घर में कोई कुछ कुछ विवाद होता है, झमेला होता है तो गांव घर में फैसला नहीं होता है, तो पढ़ा राजा के पास कमेटी ने वो अपील करता था और अपील करने के बाद हम दुयो पार्टी के बुलाते हैं और पढ़ा से हर गांव से बुला लेते हैं जी। और इजहार लेते हैं जी। कि कैसे लड़े और कैसे इतना विवाद खड़ा हुआ जी। लड़ने से कर से करीब मन दुखित होता है जी। से लड़ना नहीं चाहिए जी। अच्छा सिमंदा, जो पद्मश्री का अवार्ड आपको मिल रहा है सरकार के द्वारा, क्या इस अवार्ड को आप लेने वाले हैं? लेंगे आप इसे? लेने आवेले तो हाँ जरूर जी, मगर हमारा किसान को इतना जमीन जगह इतना दिन लड़े जी और अभी तक हमको किसान को कोई किस्म का विकास का काम नहीं दिखता है जी। से ले हम दिन रात एक 1.5 लाख आदमी से साथे रहते हैं जी और एखान हम पद्मश्री लेने चल जाएंगे तो कहेगा कि आप इतना बड़ा आप दिन बने और यहाँ गलत काम कहे का। तो यानी कि आप नहीं लेंगे? हाँ, आप नहीं लेंगे। जब तक हमारा किसान का जितना नेचर को शुद्ध नहीं करेगा तब तक अकेले तो नहीं लेंगे जी। काले कि हर गांव ने किसान को घर घर पानी चाहिए जी, खाद चाहिए जी, बीज चाहिए, बाइल चाहिए। एखान एक किसान ट्रैक्टर 9 लाख का लिया और छोटा छोटा किसान का तो कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। हाँ जी, तू का खेती करेगा? चलिए सिमंदा, आपके पास फिर हम आएंगे, आपके पास फिर आएंगे, सारी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान एकला चलो की राह पर चल के हजारों लोगों के हाथों को जोड़कर एक मिसाल बनाता है, कई कुएं तालाब और बांध और नहर बनाता है, लेकिन उस इलाके में सरकार ने शायद विकास की कोई योजनाएं नहीं चलाई या सिंचाई की जो योजनाएं चली वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया और उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में जिस सिमोन उराव को पद्मश्री का अवार्ड मिलने वाला है, घोषणा भी हो गया है, वो आज इस अवार्ड को लेने से इनकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इनके इलाके की व्यवस्था ठीक नहीं होगी ये पद्मश्री का अवार्ड नहीं लेंगे। आपके पास आएंगे गिरधारी राम गंजू जी, बहुत बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है। एक कहानी और भी इनके संदर्भ में कि इन्हें 35 लाख रुपए का एक योजना मिला था और 35 लाख की योजना में इन्होंने 20 लाख में काम किया, 15 लाख वापस भी कर दिया। अब सवाल जी, तो 23 लाख मिला था तो 13 लाख ने हम 5,500 फीट नहर बना दिए जी और 10 लाख बच गया खाने। फिर डीसी से बतिया के हम जी फिर 4.5 लाख फिर जी नहर बना दिए। चलिए, ये सिस्टम पर सवाल है गंजू जी, सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ग्रामीण इलाकों की ये उपेक्षा क्यों? एक और आप पैसा देते हैं, आपको पैसा उस निर्माण के बाद वापस कर दिया जाता है और विकास की योजनाएं अगर कृषि की बात करें, सिंचाई की बात करें तो दिखती नहीं। आखिर जो काम सरकार को करना चाहिए ये काम इन्होंने करके दिखाया, इसके पीछे की बात आप बताइए, क्या कुछ लगता है आपको? यहाँ की जो संस्कृति है, संस्कृति में एक नागपुरी में कहावत है कि काम कर अंग लगाए के जी, डहर चल संग लगाए के जी। कहने का तात्पर्य, यदि कोई काम तुम लेते हो जी तो उसको ये पूरे मन से करो जी, और यदि रास्ता चलते हो, कोई नया काम करते हो जी, तो सबको मिल करके साथ ले करके चलो। बिल्कुल, कहे कि बैठले दोस्त चलले कोस जी। अगर बैठे रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और चलते रहोगे तो तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यही उद्देश्य लेकर हमारे पढ़ा राजा सिमोन
उरांव ने ये काम किया, अकेले चले, लेकिन इनके कार्य को देखकर, क्योंकि ये पढ़ा राजा है जी, और राजा कहने से जो दूसरे दुनिया में एक शान शौकत का वो नहीं है, ये काम के राजा है, नाम के राजा नहीं, शान शौकत के राजा नहीं, जिनकी हर बात को एक एक गांव का आदमी मानता है। क्योंकि झारखंड बहुत ही उर्वर क्षेत्र है, जंगलों से भरा हुआ है, यहाँ जंगल के बीच में खेत बनाए गए हैं, सिर्फ पानी की व्यवस्था अगर कर दे तो यहाँ सोना उगलने लगेगा। वो काम सिमोन जी ने अपने बलबूते अपने गांव वालों के साथ मिल करके किया और दिखा दिया। यही तो सवाल है गंजू जी कि जिस काम को सरकार को करना चाहिए, वहां के ग्रामीणों ने एक मिसाल पेश किया, उसके बाद भी वो इलाका उपेक्षित रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आपके पास फिर मैं आऊंगा। मुकुंद जी, आज की तारीख में सिमेन उरांव ने जो उपलब्धि हासिल की है, ये कोई आज की बात नहीं है, कई दशकों तक इनके हाथ ने उस इलाके के तकदीर को गढ़ा है और आज की तारीख में वो चीजें सामने आ रही है। अब सवाल है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो ग्रामीणों ने किया, सिमोन उरांव के नेतृत्व में लोगों ने किया, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि है। और आज की तारीख में जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में जो सांस्कृतिक वातावरण है, जिस तरीके से ऐसे लोगों के गीत गाए जाते हैं, हम चाहेंगे कि इस बारे में भी कुछ प्रकाश डालें आप। आज मैं बेहद खुश हूं जी कि सिमोन बाबा, हम दादा भी कहते हैं इनको जी, हम दादा कहते हैं, सिमोन दादा को पद्मश्री से विभूषित किया जा रहा है जी। मुझे आज वो समय याद है कैसे पहली मुलाकात हमारी इनसे हुई जी, मैं भूलना नहीं चाहूंगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जी यूके से एक रिसर्च स्कॉलर जी, वो मिस सैरा ज्विट जी आई थी रांची, और उसका विषय था पर्यावरण संरक्षण, डिफोरेस्टेशन जी उसका विषय था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस विषय में वो कई जगह बातचीत कर रही थी, इंटरव्यू ले रही थी, खोज कर रही थी असलियत की, तो उन्होंने सिमोन दादा को चुना था। बिल्कुल। और मैं भी उनके साथ में, और कई महीनों तक वो साथ भी रही इनकी, कई महीने तक साथ रही, मैं भी इनके यहाँ खक्सी टोली जी इनका गांव कई बार मैं गया और देखा कि गांव घर को की खुशहाली के इन्होंने क्या किया। कुछ अपने शब्दों में पिरो सकते हैं इनके इस एकदम जी, हम पिरोना चाहते हैं बिल्कुल, कि किस तरह से गांव घर में टूटाव था, लोग एक दूसरे के सुनते नहीं थे, लेकिन क्या मंत्र था सिमोन दादा के पास कि उस मंत्र से सबको ये अपने में एकजुट कर लिए। चलिए मुकुंद नायक, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, जिस तरीके से झारखंड का इतिहास गवाह है, यहाँ का सिर्फ जर्रा जर्रा ही समृद्ध नहीं है, यहाँ का संस्कृति भाषा ही समृद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों ने अपने हुनर से अपनी क्षमता से इतिहास बनाया है, स्वर्णिम इतिहास लिखा है, और वो इतिहास पहले भी और आज भी धीरे धीरे सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये वो उपलब्धियां हैं जो कल भी युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी कि किस तरीके से लोगों ने इतिहास बनाया, स्वर्णाक्षरों में अपना नाम झारखंड के इतिहास में अंकित कराया। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौटेंगे तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि किस तरीके से करिश्माई सिमोन ने बहुत बड़ी लकीर खींच दी विकास की अपने इलाके में।